विडंबना है मान्यवर कि सुदूर तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटि में नाव खेने वाले एक मल्लाहे का बेटा लोकतंत्र की बदौलत देश की नैया का खिवैया बनता है और उसी बेटे की पुण्य स्मृति में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता का सदन कहता है कि लोकतंत्र विफल हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं विषय के विपक्ष में बोलते हुए सदन की सम्मति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है, इस बात का सबूत आज का विषय है। यह मंच इस बात का प्रतीक है, मंच के दोनों छोर इस बात के प्रतीक हैं। लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम हिसाब मांगते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हम बोल सकते हैं, हमारी अंगुलियां उठ सकती है, हमारी मुट्ठियां तन सकती है, हमारे हाथ नारों के साथ लहरा सकते हैं, हमारा दिल बेखौफ होकर धड़कता है, हमारे होंठ खुलते हैं, हमारी जबान मचलती है, हमारा सर इनकार में भी हिल सकता है, हम आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, हमारी जबानें कतरी नहीं जाती, हमारी आंखें चित्कार बनती है, चित्कारों से हुंकार बनती है, हुंकारों से सरकार बनती है, हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, हम सरकार बन सकते हैं, हमारी सरकारें हमारी होती है, कोई गोली कोई बंदूक कोई सिपाही नहीं है, सच कहने की कोई मनाही नहीं है, जुल्म का चक्कर और तबाही नहीं है, हम पर तुम पर सरस स्याही नहीं है, हम चीन के ध्यानमैन चौक के छात्रों की तरह लोहे के टैंकों के तले कुचले नहीं जाते, हम प्योंगयांग के लोगों की तरह फौजियों के बूटों के तले रोंदे नहीं जाते, कोई 30 सेंटीमीटर का बारूद का गोला हमारी आवाजें दबा नहीं देता, कोई संकी राजा सवाल पूछने पर हमारा गला घोटने का या हमें जिंदा जला देने का हुक्म नहीं दे देता। हम नाराज हो सकते हैं, हम गुस्सा दिखा सकते हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा होता है, हम सत्ताधीशों पर भड़कते हैं तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कह सकते हैं, हम हुकूमतें बदलते हुए छाती ठोंक कर कहते हैं कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मान्यवर, लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है, सरकार के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है, इस बात का सबूत उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का फर्क है, भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क है, चीन में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अमेरिकी व्यक्ति की स्वतंत्रता का फर्क है, बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल और जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के उछलते हुए आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते, आदमियत भी कोई चीज होती है, हमें तमड़ी हासिल करने के चक्कर में चमड़ी नहीं खोनी है, विकास की गति के मामले में लोकतंत्र कछुआ हो सकता है लेकिन जीत भी तो कछुए की ही होती है। पक्ष में दिए जा रहे तर्क सरकारों की विफलता के तर्क हैं, कर्णधारों की विफलता के तर्क हैं, कमूरों को जिल्ले इलाही बना देने वाली संता की विफलता के तर्क हैं। लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है, लोकतंत्र को विफल घोषित कर देना बेहद आसान है लेकिन उसका विकल्प प्रस्तुत कर पाना बेहद कठिन है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में खामियां हैं लेकिन सरकार के मौजूदा प्रकारों में यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, सरकार के प्रकार से भी कहीं आगे जाकर लोकतंत्र एक धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षितः, लोकतंत्र एक धर्म है, धर्म नाम से आपत्ति हो तो कह लीजिए कि लोकतंत्र एक जीवन शैली है लेकिन हमें इसे अपनाना ही होगा क्योंकि लोकतंत्र हमारा भविष्य है, हम लोकतंत्र के अलावा कुछ नहीं हो सकते, एक ही रास्ता है, इसी पर पक्के पांव चलते जाना है और खामियां दूर होने तक चलते ही जाना है क्योंकि समर शेष है, समर शेष है, समर शेष है, समर शेष है, इस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उस तक सत्व पहुंचाना होगा, समर शेष है, समर शेष है। जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्मी।